वेलकम बैक टू माई चैनल। आज का वीडियो छोटा होगा यार यार बट और लेकिन मैं आज आपको समझाने वाला हूँ रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे कैसे करें नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर्स का, मतलब रिकरिंग नंबर्स का। तो आज हमारा नंबर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा शायद। हाँ, आज हमारा नंबर सिस्टम ख़त्म हो गया तो कल से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, वो आपको कल के वीडियो में पता चल जाएगा। तो हम लोग चलो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिसने भी मेरे सारे नंबर सिस्टम के पार्ट्स नहीं देखे तो जाके देख लिए, नहीं तो आप नंबर सिस्टम को नहीं समझ पाएंगे। अगर आप सारे पार्ट्स देख लेंगे तो सब समझ जाएंगे। तो लेट्स गो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज गाइस हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। ओके, तो हम लोग तीन एग्जाम्पल्स लेंगे और उसको करेंगे। तो पहला जो एग्जाम्पल है वो है 5/3 को हमें नंबर लाइन में हमें डिनोट करना है, ये रिप्रेजेंट करना है। तो 5/3 को जब हम लोग करेंगे तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है, रिपीटिंग नंबर है। तो उसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.66666 आएगा। तो इसको हम लोग 2 भी लिख सकते हैं, 1.6 को एस्टिमेट करके 2 भी लिख सकते हैं, है। तो ये गाइस 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो इट विल लाई बिटवीन 1 एंड 2। तो पहले एक नंबर लाइन बना लेते हैं आप। तो गाइस आप अभी ये सब ना देखिएगा, मैं आपको सिर्फ नंबर लाइन देखिए। तो नंबर लाइन में सबसे पहले हम लोग जैसे ये देखो, यहाँ डेनोमिनेटर में जितने नंबर दिया गया होगा उतने हम लोग पार्ट्स करेंगे जी। अब 1 और 2 के लाई करेगा तो 1 और 2 के हम लोग 3 पार्ट्स कर लेंगे। तो ये 1 और ये 2 और ये 3, तो 2 तो 3rd पार्ट होगा उसका। तो ये 5 डेनोमिनेटर में 3 दिया गया है तो 1 और 2 के बीच के 3 पार्ट्स कर लेंगे। तो अब हम लोग 0 और 1 के बीच के भी 3 पार्ट्स करेंगे रहेंगे, क्योंकि हम डेनोमेटर में 3। अब मैं इसको इसलिए बेसिक से समझा रहा हूँ। तो 0 फिर ये 1/3 हो जाएगा, ये 2/3 और ये 3/3 हो जाएगा। जो 1 है वो 3/3। अब 3/3 को हम लोग रिड्यूस करेंगे तो 1 भी लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा 4/3 और हमें ये हो जाएगा 5/3। 5/3 हमें मिल गया। ये देखो ये जो पॉइंट है वो 5/3 हो जाएगा और ये जो 2 है वो 6/3 होगा, जिसको रिड्यूस करके 2 आ जाएगा। तो ये है हम लोग ने, यहाँ होगा हमारा 5/3। ओके गाइस, अब एक और नए एग्जाम्पल लेते हैं जो है 7/3। 7/3 को हम लोग लिख सकते हैं 2.33333, जो मतलब कि 2.3333 सो ऑन, जो जिसको हम लोग 3 भी लिख सकते हैं। तो डेनोमिनेटर में 3 है तो हम लोग 3 पार्ट्स करेंगे और ये 2 और 3 के बीच में लाई करेंगे, मतलब 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के हम लोग, ये मैं 0 से आपको 3 तक दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ अच्छे से। तो ये 1/3 हो जाएगा, 3 पार्ट्स हमने कर लिए, ये 1, 2, 3। तो ये 1/3, ये 2/3, ये 3/3, अरे जो 1 होगा 3/3 हमारा 1 होगा, ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा 5/3, ये 2 हो जाएगा 6/3, जो रिड्यूस होके ये 2 ही आएगा, ये हो जाएगा हमारा 7/3। ओके, हमारा ये 7/3 हो गया। तो 7/3 हमें मिलना था, तो ये 7/3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हो 8/3 और फिर 9/3 जो 3 होगा, जिसको 3 1 3 3 जा, तो ये 3, तो हमने 7/3 डिनोट कर दिया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, है हमें अब डिनोट करना है 1/3। 1/3 को हम लोग लिख सकते हैं 0.3333, जो ये गाइस 1 के बराबर होता है। तो ये लाई, इट विल लाई बिटवीन 0 एंड 1, मतलब ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो पहले एक नंबर लाइन बना लेंगे। अब इस डिनोमिनेटर में 3 है, चाहे डिनोमिनेटर में जितने नंबर होगा उतने पार्ट्स करना है हमें, वो 0 और 1 के बीच में या 1 या जितना दिया गया है। तो 0 और 1 के हमने बीच में 2 पार्ट्स कर लिए, तो 1/3 ये हो जाएगा 1/3, 2/3 और ये 3/3। तो ये वाला जो है 1/3 हो जाएगा आएगा। तो हमको 1/3 रिप्रेजेंट करना, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ओके गाइस, आज का वीडियो इतना ही था, छोटा सा था, बहुत ही छोटा था। हाँ, लेकिन मैं आज 2 वीडियोज़ डाले, एक सुबह और एक अभी आया है। तो आप लोग 2 वीडियोज़ डाले तो ठीक है, सुबह वाला 10 मिनट का था। तो आज लेकिन आप मेन चीज़, हम आप लोगों ने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख लिया होगा। तो हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे
आपको नेक्स्ट वीडियो तो पता चल जाएगा। कंस्ट्रक्शन शायद मैं शुरू करने का सोच रहा हूँ, लेकिन आज का वीडियो यही एंड करते हैं। अगर पसंद है तो लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।